हेलो गाइस, वेलकम टू उस्ताद एडू चैनल सिमी दिस साइड। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं 3 लेक्चर्स में इसको। अभी आज हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इज़ डन। कंजर्वेशन कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स लाइक नेशनल पार्क्स थ्रू द सेंचुरीज, राइट। मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन प्रोटेक्टेड एरियाज, इट इज़ मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग वेज। नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरिया लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसमें क्या रहता है, जितनी भी स्पीसीज हैं वाइल्ड लाइफ की, टाइगर है, लेपर्ड है, इनको बड़ा सेफली रखा जाता है। तो ये होते क्या हैं, इट मीन्स दे आर द लाइक नेशनल पार्क इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, हंटिंग एट्सेट्रा आर नॉट अलाउड, फॉर एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, दे आर द प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर हंटिंग इज नॉट अलाउड बट ऑल द एक्टिविटीज़ आर अलाउड। लोग पिकनिक स्पॉट के लिए वहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, देख के आते हैं। उस दौरान कुछ गवर्नमेंट ने अपना एक्ट भी पास किए हैं, वो है IBWL, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हमारी कंट्री में आपको पता ही है कि पानी की कितनी स्केर्सिटी है, तो पानी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी यूज टू कंजर्व रेन वाटर बाय कलेक्टिंग, स्टोरिंग, कन्वेइंग एंड प्योरीफाइंग ऑफ रेन वाटर दैट रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप्स, पार्क्स, रोड्स एट्सेट्रा। मीन्स बारिश होने पर जो पानी वेस्ट होता है रूफ पर भी और पार्क में, सड़कों पर, उसको कलेक्ट करने का कोई एक प्रोसीजर रखना चाहिए। अगर छत पर बारिश तो हो ही रही है, तो छत पर एक टैंक में हमें पानी को स्टोर करने लेना चाहिए, पार्क में या किसी जगह पिट बना लेनी चाहिए, एक खड्डा सा खोद के उसमें पानी स्टोर करना चाहिए, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी प्रीशियस एंड वी हैव टू कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, राइट। सेव ट्रीज, सेव द अर्थ, वी आर द गार्डियंस ऑफ द नेचर्स बर्थ। पेड़ पौधों की करो रखवाली, तभी आएगी सुंदर हरियाली। तो हमें इनको, वन ही हमारा जीवन है, पेड़ों से वायु, वायु से आयु। सो दिस इज द समरी ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो इन शॉर्ट एंड इन वी हैव टू प्रिसाइज इट, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखना है, सेव करके रखना है। सो वी रेड इन दिस चैप्टर व्हाट इज़ बायोस्फीयर, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ सिपको आंदोलन, हु स्टार्टेड इट, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, किसने स्टार्ट किया, किसने प्रोटेस्ट किया, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ एफॉरेस्टेशन, राइट, व्हाट इज़ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें इन्हें कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय बाय। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट इट, यू कैन आस्क इस आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू, बाय बाय।